हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 111 एंजल पे आपका बहुत बहुत नमन है गाइस। आज की रीडिंग है कि यहाँ पे 5 कार्ड रखे रहेंगे गाइस। 5 कार्ड में से कोई एक कार्ड चुनेंगे और मैं बताऊंगी कि आपको किस देवी देवता की पूजा करनी है। अगर इन देवी देवताओं को अगर आप पूजते हैं तो आपके लाइफ में सक्सेस, सफलता, अबंडेंस और बरकत जरूर होगी गाइस। अगर नहीं आप पूजा का समय मिलता है तो आप एक बार नाम लेकर उनको आराधना करते हैं तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा, उतना ही आपके जीवन में सक्सेस और सफलता आएगी। एक बार मान के देखें, करके देखें गाइस यहाँ पर, लेकिन मानना न मानना आपके ऊपर है। देखते हैं कि आपके लिए यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्ड रखे रहेंगे गाइस। जिस भी ईश्वर को या अपने इंट्यूशन से चुनिए गाइस, सबसे अच्छी बात। पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, पांचवा कार्ड। आंख बंद करके पांचों कार्ड में से कोई एक कार्ड जल्दी से चुनिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे गाइस कि आपको किस देवी देवता की पूजा करनी है जो आपके लिए बेनिफिट वाला रहेगा और आपका लक भी खुलेगा, आपका लक भी चमकेगा। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना था गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। यहाँ पर देखिए गाइस, एक प्यारा सा छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे प्यारा सा छोटा सा मंदिर है और यहाँ पे नदी है। तो हो सकता है कि आपको अगर गंगा जी में आप स्नान करते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं, गंगा जी की आराधना करते हैं यहाँ पर, या प्रयागराज जाते हैं, या तो आप कोई ऐसी पवित्र नदी में स्नान करके अन्न दान करते हैं या यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा और आपका भाग्य भी खुलेगा। हो सकता है आपने किसी नदी में स्नान करने का या गंगा जी से या जमुना जी से कुछ तो ऐसा मन्नत मांगा है जो आप भूल गए हैं, उसको याद करिए कि आपने कुछ भूला तो नहीं है। अगर भूले हैं तो जाके जब भी समय मिलेगा इस यहाँ पर, नहीं तो आपके घर में अगर गंगा जल है तो उसको पूजा स्थल में रख कर उसको नमन करें, पूजा करें और एक बार माफ़ी मांगें और गंगा जी का आराधना करेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेटर रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है गाइस। यहाँ पर जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना, देखते हैं आपके लिए क्या आया है गाइस। यहाँ पे दुर्गा माँ का आया है गाइस, तो आप अपनी दुर्गा माँ का फोटो चित्र तो घर भर में रहता है, आप दुर्गा माँ की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं या ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाए बीचे का मंत्र का जाप करते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा सही रास्ते खुलेंगे, सक्सेस का रास्ते खुलेंगे और आपको सफलता अबंडेंस जरूर आएगी आपके लाइफ में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माँ दुर्गा की एनर्जी है। तो माँ दुर्गा एनर्जी जो होती है बहुत ही पावरफुल एनर्जी होती है, तो यहाँ पे आप माता जी की आराधना करें, माता जी की पूजा करें जिससे आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा और आपके जितने भी अगर काम नहीं बन रहे हैं तो बनने भी लगेंगे और आपको सक्सेस भी मिलने लगेगा। जिन्होंने थर्ड 5 चुना था गाइस, देख लीजिए यहाँ पर आपके लिए बहुत ही प्यारा कार्ड निकल कर आया है। आप के लिए थर्ड 5 जो है सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ और गणेश जी का, यानी पूरे दीपावली का जो पूजा होता है आप बहुत विधिवत करें गाइस। थर्ड ऑप्शन यानी महालक्ष्मी, सरस्वती माँ और गणपति बप्पा का, तीनों का चित्र अगर आपके घर में है तो आप उनकी दिल से पूजा करिए, आराधना करिए, आपके घर में कभी भी धन धान और शिक्षा की कमी नहीं होगी, दलिद्रता कभी नहीं आएगी, हमेशा सुख भरा रहेगा, धन धान भरा रहेगा, आनंद भरा रहेगा, प्यार भरा रहेगा और सबसे बड़ा ताकत जो है लक्ष्मी जी की ताकत होती है। अगर आप के पास लक्ष्मी है तो आपको कोई नहीं हरा सकता है गाइस यहाँ पर। तो आप इनकी आराधना करके देखिए तीनों लोग की और आपका लाइफ जो है सक्सेस।
सफलताओं और सक्सेस से जरूर भरेगा, ये करके देखिए। थर्ड ऑप्शन जिन्होंने फोर्थ ऑप्शन चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आया है गाइस। यहाँ पे राधा रानी का कार्ड आया गाइस। तो आप अगर पूजा करते हैं, जब भी पूजा करिए तो एक बार राधा रानी का नाम लिया करिए, या राधे करके अगर पूजा आप करते हैं तो आपके लाइफ में जो भी चीज़ें हैं वो और भी अधिक बेटर होती चली जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि राधा रानी जो हैं प्रेम की प्रतीक हैं, सच्ची भावना की प्रतीक हैं, श्रद्धा की प्रतीक हैं, और सबसे बड़ा प्रेम की प्रतीक हैं, यहाँ पर विश्वास की प्रतीक हैं। तो ये सब चीज़ आप अगर करते हैं, राधा रानी की पूजा करते हैं या कृष्णा की पूजा करते हैं, क्योंकि राधा और कृष्णा बटे नहीं है गाइस, अगर आप इन एक की पूजा करती हैं तो दोनों की पूजा मान्य मानी जाती है। तो आप राधे का पूजा करें या कृष्णा का पूजा करें, ये दोनों आप करना शुरू कर दीजिए, आपके लाइफ में जितनी भी बाधाएं, परेशानियां, चिंता, तकलीफ आ रही है वो दूर होती चली जाएगी, और आपका जो लव लाइफ है, धन धान्य है, वो बढ़ता चला जाएगा। जिन्होंने फिफ्थ फाइल चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या आया है। यहाँ पे देखिए गाइस, बहुत ही प्यारा आपके लिए बोला जा रहा है कि आप ग्रंथों की पूजा करें। आप जिस भी बुक को, जैसे गीता हुआ, जैसे कि बहुत ऐसी पवित्र चीज़ें हैं, पवित्र बुक है, बाइबल है, कुरान है, गीता है, ये सब अगर आप थोड़ा सा मन में श्रद्धा रखते हैं, प्यार रखते हैं, भक्ति करते हैं, या उनका एक बार भी नाम लेते हैं कि ये कितनी अच्छी चीज़ है, कितनी अच्छी बुक है, या कितनी पवित्र चीज़ें हैं, धार्मिक चीज़ें हैं, अगर ऐसा आप कभी भी, जब भी आपको समय मिले तो आप उनको प्रणाम करिए, उनको याद करेंगे, तो आपके लाइफ में जो है गाइस बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है, सक्सेस मिलने वाला है और सफलता रहने वाला है। या यहाँ एक और भी यहाँ पे मैसेज आ रहा है गाइस कि अगर आप राइटर हैं, अगर आप लेखक हैं, तो अगर कोई पुस्तक लिखते हैं तो ये पुस्तक जो है बहुत ज़्यादा मान्य मानी जाएगी, और बहुत ही ज़्यादा आप फेमस भी होंगे और बुक भी फेमस होगी। यहाँ पे देवी देवताओं की बात हो रही है, तो यहाँ पे आप ग्रंथों की पूजा करिए, वेदों की पूजा करिए, यहाँ पे बाइबल का पूजा कर सकते हैं, कुरान की पूजा कर सकते हैं, यानी कुछ भी ऐसी जो धार्मिक पुस्तक है उसका आप एक बार नाम लेंगे तो आपके लाइफ में मिरेकल होगा, चमत्कार होगा, सक्सेस और सफलता आपके लाइफ में आती चली जाएगी गाइस। क्योंकि देखिए कितना प्यारा यहाँ पे ये पुस्तक है, और मैं भी प्रणाम करती हूँ कि सब लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें गाइस यहाँ पर। और आप इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।